बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के लिए शोक भी मायने नहीं रखता। वो बच्चों की मौत पर चर्चा के बीच क्रिकेट का स्कोर पूछ लेते हैं। रविवार को मंगल पांडे एक निजी अस्पताल के उद्घाटन कार्यक्रम में पहुंच गए और उस अस्पताल की जमकर तारीफ की। सरकारी अस्पताल की छत टूट रही है। स्वास्थ्य मंत्री निजी अस्पताल के उद्घाटन में व्यस्त है। चमकी बुखार के इलाज वाला मुजफ्फरपुर का सरकारी अस्पताल बदहाल है। शिशु और माताओं का ये अस्पताल है। खस्ता हाल सरकारी अस्पताल देखने की फुर्सत नहीं। मंत्री जी निजी अस्पताल को बारीकी से देख आए। स्वास्थ्य मंत्री जी एक नजर इस सरकारी अस्पताल को भी देख लेते, जहां चमकी बुखार से पीड़ित बच्चों का इलाज चल रहा है, जहां के आईसीयू वार्ड में जाने वाले रास्ते पर अचानक छत का प्लास्टर टूटकर गिर पड़ा। लेकिन सियासत की बेशर्मी इस हद तक हावी है कि बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को सरकारी अस्पतालों का हाल जानने की फुर्सत नहीं। हाँ, उनके साथ साथ बिहार विधानसभा के अध्यक्ष और जेडीयू नेता विजय चौधरी पटना के शानदार होटल में निजी नर्सिंग होम के उद्घाटन में जरूर पहुंच गए। ऐसे मौके पर जब बिहार में चमकी बुखार से मरने वाले बच्चों की मौत का मातम है, तब ये दोनों नेता न केवल निजी अस्पताल के उद्घाटन में शामिल हुए बल्कि उस अस्पताल की तारीफों के पुल भी बांधने लगे। हद तो तब हो गई जब जेडीयू नेता और बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय चौधरी ने निजी अस्पताल को बिहार के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल पीएमसीएच से भी बेहतर बता दिया। विजय चौधरी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेहद करीब माने जाते हैं, जिन्होंने बच्चों की मौत पर मौन व्रत धारण कर रखा है। दूसरी तरफ बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ यानी बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे तो माशाल्लाह हैं। कुछ दिन पहले चमकी बुखार पर डॉक्टर हर्षवर्धन के साथ समीक्षा बैठक चल रही थी। 100 से ज्यादा बच्चों की मौत हो चुकी थी, लेकिन मंत्री जी स्कोर पूछ रहे थे। चार विकेट। इन्हें मासूमों की मौत के बाद मुजफ्फरपुर पहुंचने में 5 दिन लग गए थे, लेकिन निजी अस्पताल के उद्घाटन में बिल्कुल सही समय पर पहुंच गए। यही नहीं, इन्हें सरकारी अस्पतालों में झांकने की भले ही फुर्सत न मिली, लेकिन निजी अस्पताल की एक एक चीज का इन्होंने बारीकी से जायजा लिया। ऐसे में इनसे क्या उम्मीद की जाए। ऐसी ही बेशर्मी में इन्होंने गरीब बच्चों को भगवान भरोसे छोड़ दिया और वो तब तक दम तोड़ते रहे जब तक कि देश में कोहराम नहीं मच गया, लेकिन उसके बाद भी इनका रवैया नहीं बदला है। मुजफ्फरपुर में मणिभूषण के साथ राजेश कुमार झा, पटना आज तक।